copii la aia știu gura lui, tot am întâlnit și gura lui. O să salta, salta! Lugul de pe
दिया, हमने आवाम के ऊपर बोझ नहीं पड़ने दिया। चार महीने के अंदर और तो छोड़े, डीजल किधर गया, पेट्रोल किधर गया, बिजली किधर गई। आज आटा कराची के अंदर जो हमारे दौर में 20 केजी आटा 850 रुपए में बिक रहा था, कराची में 2000 रुपए में नहीं मिल रहा। तो ये कौन सी क्यामत आ गई कि चार महीनों के अंदर महंगाई आसमान पे और मायशत जमीन पे, ये इन्होंने किया है इस इंपोर्टेड हुकूमत ने। और IMF क्या कह रहा है? IMF कह रहा है आगे भी हालात बुरे। IMF ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में अभी बिजली और महंगी होगी, करनी पड़ेगी पाकिस्तान को बिजली और महंगी। वो ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत कमजोर तरीन हुकूमत है, यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, यहाँ सियासी इस्तेकाम नहीं। इसका मतलब कि सरमायाकारी नहीं होगी, इसका मतलब दौलत में इजाफा नहीं होगा, इसका मतलब हमारी मैशत सुखड़ती जाएगी, इसका मतलब बेरोजगारी बढ़ेगी, इसका मतलब फैक्ट्रियां बंद होगी, इसका मतलब कीमतें ऊपर जाएंगी, कीमतें ऊपर जाएंगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। ये IMF ने रिपोर्ट दी है। तो मैं आज सवाल पूछता हूं कि सब जिन्होंने साजिश करके इन चोरों को हमारे ऊपर मुसलत किया था, आज तो आपको जवाब दे। फिर से मैं आपको बता दूं, करप्शन और चोरी में क्या फर्क है? करप्शन और चोरी में क्या फर्क है नौजवानों? टेस्ट कर रहा हूं मैं तुम्हारे में कितना शऊर है, बताओ। चोरी होती है जो आपकी जेब से मोबाइल फोन चोरी कर ले, चोरी होती है कि आपके घर में आके कोई चोरी करके आपका टीवी उठा के ले जाए, पैसे चोरी कर रहे, इसको चोरी कहते हैं। करप्शन वो होती है जो मुल्क का पैसा चोरी किया जाता है, जो आप सबका जो पैसा आपके स्कूलों पे, अस्पतालों पे, सड़कों पे, कीमतें कम करने पे, जो पैसा कौम पे खर्च हो रहा हो वो चोरी करके ले जाते हैं, इसको करप्शन कहते हैं। और IMF ने एक और बात की, ये पहली दफा IMF ने ये बात की है कि बहुत बड़ी वजह कि पाकिस्तान के जो माशी हालात इतने बुरे, जो हमारा दवाइयां निकला, उन्होंने कहा एक बहुत बड़ी वजह हुकूमती करप्शन है। ये पहली दफा IMF ने कहा। तो मैं जरा आपको बताऊंगा फैसलाबाद करप्शन होती क्या? नौजवानों जरा आप तैयार हो, आपको मैं वीडियो दिखाने लगा हूं। करप्शन होती क्या? करप्शन होती ये है कि जब मसल मैंने एक पावर प्लांट लगाना पाकिस्तान में, उसकी कीमत है 100 अरब रुपया। मैं क्या करता हूँ, मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या वजीर हूँ, मैं क्या करता हूँ, उसकी कीमत उठा के 120 रुपए कर देता हूँ, 120 अरब रुपया 20 रुपए जेब में डाल देता हूँ। वो पावर प्लांट जो दुनिया में 100 अरब रुपए में बने,
वो पाकिस्तान में 120 30 रुपए पे 30 अरब रुपए के बने, जो 30 अरब रुपया पड़ती है महंगी बिजली से, और वो क्योंकि 30 अरब रुपया मुल्क में नहीं छुप सकता, क्योंकि वो बैंकों में डालेंगे, लोग पूछेंगे तो वो मुल्क से बाहर भेजते, वो चोरी करके बाहर भेजते। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारे साहिबे इख्तदार जो 30 साल से इस मुल्क में चोरी कर रहे हैं, दो खानदान, शरीफ खानदान और जरदारी खानदान,